हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैं बहुत खुश हूं, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आज मैं आपको समरी बताने जा रहा हूं, चैप्टर का नाम है फेथफुल फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश का हर पढ़ने वाला विलियम शेक्सपियर को ज़रूर जानता होगा। तो इस चैप्टर की मैं आपको समरी बता रहा हूँ। जो चैप्टर है फेथफुल फ्रेंड्स यानी वफादार दोस्त, अच्छा दोस्त। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, अ फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही है जो बुरे वक्त में साथ दे। यहाँ पर शेक्सपियर साहब इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं और बता रहे हैं कि वो लोग जो हमारी झूठी तारीफ़ करते हैं वो हमारे दोस्त नहीं होते हैं बल्कि हमारे दुश्मन होते हैं, और वफादार दोस्त कठिनाइयों में भी हमारी मदद करते हैं। चापलूस जो दोस्त होते हैं बहुत होते हैं, लेकिन सच्चे जो दोस्त होते हैं वो लाखों करोड़ों में एक ही होता है। जब तक आपके पास खर्च करने के लिए भरपूर पैसा है, हर व्यक्ति आपका दोस्त होगा। लेकिन जब आपकी जेब खाली होगी और आमदनी का ज़रिया कम, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपका दोस्त नहीं होगा, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपके कोई दुख को बांटने के लिए आपके पास नहीं आएगा। ये एक कड़वा सच है जो आवश्यकता के समय, ज़रूरत के समय काम आए, वही वास्तव में सच्चा दोस्त होता है। यहाँ शेक्सपियर ये भी बताते हैं कि असली दोस्त, सच्चा दोस्त आपके दुख और खुशियों में हमेशा आपके साथ रहता है, और एक सच्चा मित्र जो सच्चा दोस्त होता है वही आपका दुख में भी आपके साथ रहता है और भरपूर आपका दुख बांटता है। किसी ने ठीक कहा है कि ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। मित्र वही जो बुरे वक्त में साथ दे। अगर आपको ये मेरा समरी पसंद आ रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर दीजिए। लेकिन साथ में ये सेंट्रल आइडिया जो है, ये छोटा सा है, इसको भी आइए पढ़ते चलते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है पूरी पोएम का निचोड़, यानी कि पूरा हम बहुत छोटे लफ्ज़ों में, बहुत कम लफ्ज़ों में उसका अर्थ निकाल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ, सेंट्रल आइडिया देता हूँ कि ये कहानी जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमें बहुत अच्छा सबक देती है। और ये विलियम शेक्सपियर दुनिया के मशहूर कवि हैं, उनके ज़रिए से लिखी गई है। और इस कहानी में चापलूस दोस्त और वफादार दोस्त, इन दोनों दोस्तों का अंतर बताया गया है। चापलूस व्यक्ति जो होता है वो सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति तब तक हमारा दोस्त रहता है, यानी चापलूस व्यक्ति, जब तक हमारे पास पैसा रहता है, धन रहता है। और जो असली दोस्त होता है वो हमारी गरीबी या अमीरी का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ रहता है और साथ देता है। वो हमारे सुख दुख दोनों में हिस्सा बांटता है, और आवश्यकता के वक्त जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा हर तरह से साथ देता है। तभी कहते हैं कि ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। ये था सेंट्रल आइडिया। तो अगर आपको दोनों चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए हो, हिंदी में इसका मतलब चाहिए हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको भेजूंगा, आप पढ़िए, पढ़ाई आपकी कम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फौरन मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, उसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और एक कमेंट तो देना ही है, क्योंकि
इसकी मुझे बेहद ज़रूरत रहती है। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।